नमस्कार दोस्तों, पवन वाइगर में आपका स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारा जो चैप्टर है मैक्सवेल का, ये अब हम शुरू कर रहे हैं और इसके बाद में हम इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो कर लेंगे। पहले मैं ये दोनों चैप्टर आपको करवाता हूँ, बाद में मैं आपको जो हमारा मैथ सेकंड है उसको बाद में करेंगे। पहले ये ज्यादा जरूरी है। द रीजन बिहाइंड दैट इज की बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, शी इज कंटिन्यूसली कॉन्टेक्टिंग मी, शी मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी कॉल्ड मी, आई कुड नॉट रिसीव फोन ड्यू टू माई क्लासेस, है ना। रिया ने मुझे कई बार कॉल किया, पर रिया बेटा आई एम सॉरी, आप समझ सकते हैं कि मेरे पीछे जो थोड़ा सा एक पर मतलब क्या हो गया है कि अभी पहले ऐसा होता था कि एक क्लास होती थी या दो क्लास होती थी, अभी ऐसा हो गया हमारी क्लासेस बहुत हो गई। मतलब अभी हर क्लास का बच्चा चाहता है कि मैं वीडियो दूँ। उसके साथ ही में हमारी जो टीम बन गई है, जो टीचर्स है सभी सब्जेक्ट के, उन सबके भी वीडियोज आते हैं, उन सबके भी सारी चीजें हमको देखना होती है। इस कारण से थोड़ा मैं हमारे कॉमर्स के बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाया हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपका ये पहले दो चैप्टर तो मैं बहुत अच्छे से जल्दी से करवा दूँ, फिर मैं आगे का जो भी मुझसे होता है मैं बिल्कुल करूँगा। आप चिंता मत कीजिए, माफी चाहूँगा आप लोगों को, मैं टाइम पर सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाया, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये जो बेसिक का जो वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ये साइंस का ही पार्ट है, तो मैं ये पार्ट इसी वीडियो में मैं ऐड कर ले रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ, ताकि पूरा बेसिक समझ लो आप। उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, वो एक्स्ट्रा चीजें भी देख लो, कुछ बिगड़ता नहीं है, दो चीजें ज्यादा देख लेते हो वहां पर। वो वीडियो देखने के बाद में एक्सरसाइज जो है बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आज ये पूरा वीडियो देख लो, कुछ मत छोड़ो। कुछ एग्जांपल मैंने बुक के एज इट इज उनके एग्जांपल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके वो एग्जांपल देख लो। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लो, ठीक है। इसके बाद में मैं कल से आपके लिए लाइव चालू कर दूंगा, तो आप चिंता मत करो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सब चीजें बराबर टाइम पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलो तो पहुंचते हैं उस वीडियो पर जो पूरा का पूरा बेसिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। बिल्कुल शुरू से लेकर आगे तक पूरा देखिए, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं, ओके दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा बेस्ड है हमारे प्रीवियस टॉपिक डिफरेंशिएशन पर, डेरिवेटिव्स पर। अब आपको वो सब सीख चुके हैं, अब इसमें क्या एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपको याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था कि ट्रिग्नोमेट्री, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल सीखा, फार्मूले सीखे, और उसके बाद आइडेंटिटी सीखने के बाद में हम जब अपने हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक पे आए थे, तो हमने अपने प्रीवियस पूरे नॉलेज को यूज किया था इधर, और वो डे टू डे लाइफ वाले एग्जांपल्स थे। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नई है, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आपको आती है, सिर्फ मतलब जो चीजें आती है वो आपको मिला के नई चीज लाना है, तो नई चीज नई नहीं है, वो पुरानी ही है, तो डरना नहीं है ना। स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू द टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल्स। टेंजेंट क्या होता है, हमने सर्कल में सीखा था कि एक सर्कल ऐसा है, उस सर्कल को अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच लेता हूं तो ये सर्कल की टेंजेंट कहलाती है, ये टेंजेंट हमने सीखी। यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लेंगे इस टाइप का एक कर्व, और इस कर्व के लिए एक टेंजेंट हमको खींचना होगी, ठीक है। इस कर्व के लिए एक टेंजेंट हम खींचेंगे, टेंजेंट मतलब क्या है, स्पर्श रेखा मनतो दिला, है ना, जो उसको टच करके जाती है। हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं और मराठी में स्पर्श रेखा मनतो, ठीक है। तो इसकी हमको इक्वेशन निकालनी है, साथ ही में नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब क्या होता है भैया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड द नॉर्मल्स, ओके। तो नॉर्मल क्या होगा, इस टेंजेंट के ऊपर जो नॉर्मल होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, उसका भी हमको इक्वेशन निकालना होगा, और हमको जो टेंजेंट दिया उसका भी इक्वेशन निकालना होगा, दोनों निकालेंगे। आगे आते हैं और क्या सीखने वाले इसमें, इसमें डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में भी हम देखेंगे, आते हैं उसके ऊपर। अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करते हैं इसमें, अप्रोक्सीमेशन पर एक हमारी एक्सरसाइज है। उसके बाद में रूल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम LMVT भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जो हम सीखने वाले हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, और साथ ही में मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जो बच्चे CBSE से आए हैं उनको पता होगा कि उन्होंने 10th में जो हमारा पॉलीनोमियल टॉपिक था उसके अंदर इसको किया था, व्हेन वी रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑन द ग्राफ, ये हमने उसमें किया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यह लेट अस रिमेंबर में हमको बोल के रखता है कि लेट अस रिकॉल, तो कंटिन्यूअस फंक्शन
हमने लास्ट ईयर सीखा है डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ये सारा हमने सीखा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर साथ ही में क्या रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव एंड द स्लोप, यहाँ हम रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड स्लोप हम देखने वाले हैं। साथ ही में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का भी हम उपयोग करने वाले हैं। अब ये सब चीजें हैं जो ऑलरेडी हमको आती है। देखो बच्चों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जब भी मैं बेसिक की वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक का वीडियो पूरा देखो। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं अपने बुक से बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो बेसिक का वीडियो जिसने देख लिया उसकी एक्सरसाइज चुटकी बजाते सॉल्व होती है, ठीक है। तो आपको बेसिक का वीडियो पूरा देखना है। आज का वीडियो आपको पूरी मदद करेगा कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक है। यहाँ क्या देख रखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द डेरिवेटिव ऑफ द वेरियस फंक्शंस सच एज कंपोजिट फंक्शन, सच एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सच एज लॉगरिथमिक फंक्शन, और सच एज आपने पैरामेट्रिक फंक्शन देखे, इम्प्लिसिट फंक्शन देखे, एक्सप्लिसिट फंक्शन देखे, सब कुछ देखा है ना। ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव एंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशिएशन सच एज द ज्योमेट्री, रेट मेजर, अप्रोक्सीमेशन, रूल्स थ्योरम, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा। इतनी सब चीजें हम करने वाले हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमने स्टार्टिंग की बात करें, हमने पॉइंट सीखा, लाइन सीखा, लाइन सेगमेंट सीखा, पहले लाइन सीखी, फिर परपेंडिकुलर लाइन देखी, इंटरसेक्टिंग लाइन देखी। अब वही चीज में आ रही है कि इन दिस चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव एंड द स्लोप ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इन द कर्व एज गिवन पॉइंट ऑन इट। जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कर्व लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट खींच ली, ठीक है, हमने एक टेंजेंट खींच ली। ये क्या बोलता है, इस टेंजेंट का अगर हमको इक्वेशन निकालना है, इस टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे। उसके लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दैट इज एक्स वन वाई वन, ओके, यहाँ एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है, हमको ये जो जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टेंजेंट कहेंगे। ये क्या है, ये टेंजेंट है। और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, उसको हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब हमको इन दोनों की अगर इक्वेशन निकालनी, तो भैया टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट तो एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन हमने देखी थी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस हमको इसी फार्मूले का यूज करना। तो फिर m कैसे निकलेगा, m हमें निकलेगा, सपोज आपको ये जो लाइन देके रखी है, जो टेंजेंट देके रखी है, इसकी पर्टिकुलर एक यहाँ पर एक हमको एक्सप्रेशन देके रखा है, हमको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन का y करके कुछ दिया होगा, ठीक है, उस एक्सप्रेशन का हमको डिफरेंशिएशन निकालना होगा। वहां से हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थ्योरी पे आते हैं, फिर थ्योरी से मैं आपको पूरा बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या देखे रखा है यहाँ पर, y इज इक्वल टू fx, ओके, y इज इक्वल टू एक fx है, बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंटिंग अ कर्व ऑन एक्स वाई प्लेन, वेयर p पॉइंट देके रखा है हूज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, b एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, ये टेंजेंट यहां से जा रही है, सो दैट dy by dx फॉर x1 y1 दैट इज f डैश x फॉर x1 y1 रिप्रेजेंट्स अ स्लोप और द ग्रेडियंट। इसको हम स्लोप और ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि आपको उसके लिए y की जो वैल्यू दी होगी, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल, ये क्या है, डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन, तो ये जो डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे, ये क्या होगा, ये स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप देके रखा है किसके लिए, स्लोप अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे, हमको जो भी वहां पर एक्सप्रेशन दिया होगा फॉर द वैल्यू फॉर द पॉइंट x1 y1। और अगर आपको देखिए, आपने टेंजेंट का निकाल लिया, आपने यहां पर टेंजेंट के लिए स्लोप निकाल लिया, अगर आपको नॉर्मल के लिए स्लोप निकालना, तो भैया नॉर्मल अगर इसका स्लोप m1 है, फॉर एग्जांपल इसका स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, पर यार नॉर्मल तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमने सीखा था कि m1 m2 दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है, उनके स्लोप का मल्टीप्लाई जो होता है वो माइनस वन के
इक्वल होता है, स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारे पास में इसका जो स्लोप आया, अगर हम इसकी बात करें कि ये टेंजेंट के लिए स्लोप है, है ये टेंजेंट का स्लोप है, तो अगर हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, एम टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन इसको लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स फॉर पॉइंट एक्स वन वाई वन ऐसा। अब आपने बोले ये कैसे किया, बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, आगे आपको लेके चलता हूँ। देखिए इसने यहाँ पर आपके लिए वही इक्वेशन लिख के रखी है जो मैं आपको बता रहा था, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और एम, और बताता है वाई माइनस वाई वन एम की जगह पर डी वाई बाय डी एक्स 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 वन और एक्स माइनस एक्स टू। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, एम डैश यूज किया, तो एम डैश कैसे निकालेगा भैया, एम इंटू एम डैश माइनस वन होता है। अगर आपको एम डैश निकालना है तो आप वन माइनस वन अपॉन एम कर दो तो भी आपका एम डैश निकल जाएगा। ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, हमारी जो बुक है ना बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जो लास्ट पेज पे दिया होता है ना वो बहुत काम का होता है। मैं आपको बताता हूँ लास्ट पेज पे क्या देके रखा है। ये देखिए लास्ट पेज पे दिया है, कभी कभी लास्ट पेज पर बताई हुई चीजें ज्यादा सिंपल वे में बताई जाती है, क्योंकि लेट अस रिमेम्बर में वही पॉइंट होते हैं लेकिन उनको बहुत सिंपल करके बताते हैं। अब यार यही बात अगर यहां बताई होती तो आपको दो मिनट में समझ में आ जाता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपको निकालना है, ये दोनों चीजें अगर आपको निकालनी है तो इसके अंदर क्या ऐसा है। तो भैया एट पॉइंट पी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन देके रखा है। अब सपोज ये कर्व है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कर्व है, उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन देके रखा है। यहाँ आपको इक्वेशन देके रखी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और आपको बता के रखा है एम जो है स्लोप जो है वो डी वाई बाई डी एक्स करके निकाल लेंगे आप एक्स वन वाई वन के लिए। और अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो एम की जगह एम डैश रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज वही होगी, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज वही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ एम डैश की वैल्यू चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। इसने एम डैश को इस तरह से लिखा है माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि एम डैश इज इक्वल टू वन अपॉन एम, ज्यादा सिंपल पड़ेगा, ऊपर का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इनके इसमें हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पर ऐसे तीन एग्जाम्पल देके रखे हैं, है ना, वन टू और थ्री। मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल आपको बना के देता हूँ कि सपोज इस पर्टिकुलर कर्व का एक हमको ये देके रखा है, एक्सप्रेशन देके रखा है, वो ऐसा है लाइक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, और एक पर्टिकुलर इसके ऊपर एक पॉइंट देके रखा है, इट इज टू वन, ठीक है, एक पॉइंट देके रखा है टू वन। अब आपको क्या करना है, आपको इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ स्लोप नॉर्मल निकालना है, ये एक्स वन वाई वन है, तो आपके लिए ये जो देखे रखा है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको यहां पर जो है अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है। हमारे पास एम है क्या, जी नहीं, तो हम एम कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय डीएक्स करके निकालेंगे और यहां पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले एक काम करो, यहां पर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डीवाई बाय डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा थ्री टू थ्री का थ्री, और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर का फोर, एक्स का हो जाएगा वन और ये जीरो हो जाएगा। तो आपका डीवाई बाय डी एक्स क्या आया, आपका डीवाई बाय डी एक्स आया दैट इज सिक्स एक्स माइनस फोर। तो इस डीवाई बाय डी एक्स को अगर हम पर्टिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर बात करें टू वन के ऊपर, टू एंड वन के ऊपर, मतलब आपको एक्स की जगह पर इस इक्वेशन में टू रखना है, वाई की जगह वन रखना है, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स इंटू टू माइनस फोर, तो ये ट्वेल्व माइनस फोर, तो ये एट हो गया। तो आपका डी वाई बाय डी एक्स क्या हो गया एट पॉइंट टू वन, दैट इज एट हो गया, मतलब आपका एम आ गया बेटा, एम क्या आ गया, एट आ गया। तो एक काम तो आपका हो गया कि आपने एम निकाल लिया, ठीक है ना, आपने यहां पर एम निकाल लिया। अब आपको यहां पर एम डैश भी निकालना है, एम डैश किसके लिए है, एम डैश है नॉर्मल के लिए, लेकिन एम डैश हम बाद में निकालेंगे, हम एक काम करते हैं इसी इक्वेशन में जो ऊपर हमको इक्वेशन देके रखी है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, वाई का वाई, वाई वन मतलब वन इज इक्वल टू एम की जगह पर एट, एक्स का एक्स और एक्स वन की जगह पर एक, ठीक है, सॉरी y1 की जगह 1 और x1 की जगह पर 2 आएगा बेटा, 2 है ना, x की जगह पर 2 आएगा। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे इसको, y माइनस वन ये आएगा 8x माइनस 16, दोनों को उधर भेज दो, तो 8x माइनस y माइनस 16
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एट एक्स माइनस वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात क्या आती है, अगर आपको इसके बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो फार्मूला है ना ये वाला, ये फार्मूला ऐसा का ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा, इक्वेशन ऐसी की ऐसी लेना पड़ेगी नॉर्मल के लिए, लेकिन आपको m की जगह पर m डैश यूज करना पड़ेगा। और m डैश आप कैसे निकालेंगे, 1/m से निकालेंगे, जो पहले स्लोप निकाला उसका रेसिप्रोकल, तो ये 1/8 हो जाएगा, लेकिन माइनस 1/8 होगा, ठीक है। 1/8 मतलब माइनस 1/8 होता है, ध्यान रखो, क्योंकि m1 और m2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके लिए माइनस होगा 1/8। अब क्या करेंगे आप, यहाँ y का y, y1 की जगह 1 माइनस 1/8, x का x और x2 की जगह 2, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स 2 एंड 1 है, तो x1 y1 आपको वैल्यूज पुट कर देना, ये हो जाएगा 8y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, ठीक है। ये 8 को मैंने इधर दे दिया, दोनों को इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x अगर इधर आता तो x प्लस 8y माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए हमको यहाँ पर इक्वेशन ऐसे निकालते आएगी, तो यार कॉन्सेप्ट समझ लो। अब आपके आपको एक बात और समझ लो, ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये क्वेश्चन में मैंने ऐसे दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन देके रखा है, ये जो कर्व देके रखा है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन देके रखा है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, या पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा डीवाई बाई डीएस, ठीक है। जैसे आप अगर एग्जांपल बुक में उठा के देखें, मैं आपको बुक के ऊपर लेके चलता हूँ, जैसे बुक में देखे तो ये क्वेश्चन है पहला वाला, है ना, ये क्वेश्चन है जो कि आप ऑलरेडी आपने देखा होगा शायद इसको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है जो कि सिंपल सिंपल आपको जैसे मैंने करवाया वैसा है। फिर अगले वाले में देखिए x y दोनों साथ में है, फिर अगले वाले में देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे रखा है, तो हमको यहाँ पर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और थीटा पाई बाय 4 देखे रखा, थीटा की जगह पाई बाय 4 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा बेसिक है इसका, ये जहां पर आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालोगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखिए कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो आपको सबसे पहली बात कोई यहाँ पर पॉइंट्स दिए होंगे, पहली बात, साथ ही में आपको कोई y की वैल्यू दी होगी, कोई एक फंक्शन दिया होगा, कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा, और आपको फार्मूला यूज करना है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, हम टेंजेंट के लिए इसी को यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर नॉर्मल होगा तो m डैश यूज करेंगे। आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप टेंजेंट के लिए इस फार्मूले को m1 यूज करें और नॉर्मल के लिए इस फार्मूले को m2 यूज करें, तो आपके ऊपर है आप क्या यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक पे आते हैं, तो आपको देखिए टेक्स्ट बुक में मैंने पहले भी बताया कि ये कुछ एग्जांपल्स आपको देके रखे थे, जो कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट गिवन ऑन इट। तो यहाँ पर देखिए आपको ये टाइप का क्वेश्चन दिया है, हमने इसी टाइप का क्वेश्चन अभी किया है ना, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको इस तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन देके रखा है, यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक फंक्शन देके रखा है, थीटा के रिस्पेक्ट आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे। चलिए इसमें और आगे क्या देके रखा है, आप एक काम करिए, मेरा पर्सनली कहना है कि जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं वो सारे सॉल्व करके देखिए, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देते हैं, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया आ जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देके रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व देके रखा है, वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन दिस, ओके। अब पैरेलल लेके रखा है, जब पैरेलल की बात आती है बेटा तो क्या होता है, उस समय दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, है ना, वहां पर स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसका एक का स्लोप जो है दूसरे का स्लोप भी वही होगा, अब जैसे हम इसकी बात करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करें, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, वन हो रहा है ना। इसको अगर मैं लिखता हूं, इसको मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैं लिखता हूं, तो यहाँ m की जगह पर क्या है भाई,
m की जगह पर यहाँ पर जो है वो हमको क्या मिल रहा है, m की जगह पर 1 मिल रहा है, तो यहाँ m 1 होगा। देखो इसीलिए उसने लिखा है स्लोप इज इक्वल टू 1। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों का ही आपको यूज़ करना है। चलिए।